बचपन, पचपन और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छब्बीस जनवरी हमारे मुल्क हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है, इसे तमाम मजाहिब के लोग बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को हमारा मुल्क जमहूरी और सेकुलर मुल्क बना। हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ, मगर 26 जनवरी सन 1950 में जमहूरी और सेकुलर मुल्क बना। यानी आवाम की हुकूमत आवाम के लिए, आवाम के जरिए और आवाम के लिए काम करने की शुरुआत हुई और फैसला हुआ कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होगा, बल्कि वो गैर जानिबदार होंगी। इन चंद बातों के बाद अब मैं इस प्रोग्राम की सदारत का ऐलान करता हूँ। मैं अपनी बात को ज्यादा तूल न देते हुए तिलावत कलाम पाक के लिए बुलाना चाहता हूँ अजीजाने गिरामी। अल्लाह की जात किस कदर अजीम शान है, उसकी शान उज़्मा का क्या पूछना। वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो तो बादशाहों का बादशाह है। शमशो कमर जिन्न बशर शजर हजर बहर बर अर्जो फलक हुरो मलक 14 तबक अर्श कुर्सी सब उसके मोहताज हैं, उसी की तख्लीकात बेशुमार हैं। और लेकिन बहुत सी किताबें नासिल हुई, लेकिन अपना पाक कलाम अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे तर पर उतारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजजा कुरान करीम है कि बड़े बड़े फुसाहा बुलागा और उदबा जिसकी एक आयत लाने से आजिज व कासिर रह गए थे। याद रहे कि जिसका चैलेंज रहती दुनिया तक के इंसान और जिन्नात के लिए पत्थर की लकीर है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है, इस पर कुरान करीम शाहिद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बताऊं, सियासत में तो खैरियत का नाम निशान नहीं है। गैर मौजूद साहब, कल मेरा एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं 26 जनवरी का तकरीबी प्रोग्राम देखा तो जी चाह के मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर होकर इस मुनिम पे वतन आजाद हिंदुस्तान की तारीख व तहरीक वो इंकलाब और इसी कामयाब नीस इसकी तहजीब व तमद्दुन और सकाफत तामा पर रोशनी डाले, क्योंकि सियासी लोगों से ज्यादा मालूम मौलवी लोगों को होती है। माशाल्लाह आपके मौलवी साहबान को इसका भी सजदा। वाकई आप जमहूरिया के मौके पर हम लोगों का यह जमा होना इस बात की दलील है कि ये गुलशन हिंद तो सदियों से अंग्रेजों का गुलाम रहा है और अंतिम कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरत शुरू हुआ और फिर हुसूल आजादी के बाद मुल्क के व्यापारों मुखलिस परिखाओं और इनको तरतीब देने वाले रोशन दिमाग दानिशवरों ने इस मुल्क की कस्बा जल्दी तहजीब रवायात को बरकरार रखने के लिए इसके सैकड़ों जमहूरी निजाम इसके दस्तूर को इसकी तारीख यानी 26 जनवरी को तैयार किया था। हमारा ये मुल्क सदियों से तहजीब तबद्दुल और मजहब की आजादी के लिए मशहूर रहा है, मगर आज चंद सियासी मफाद परस्त पार्टियों की वजह से फिरका परस्त ताकतें इख्तदार का नागरिक हो गई है और दस्तूर में दिए गए निजाम की धज्जियां उड़ाकर इसके और दस्तूर में दिए गए सैकड़ों निजाम की धज्जियां उड़ाकर इस मुल्क को हिंदुस्तान में तबाह बर्बाद कर रही है, जिससे मुल्क का अमन अमान रुखसत हो चुका है। अभी हालात बता रहे हैं कि ये मुल्क की सलासी और हिंदुस्तान की खूबसूरत रंगा रंगी और उसके हुस्न को तबाह बर्बाद कर देगा। अरे मौलवी साहब, जोश में आने की क्या बात है, मैं तो सोच रहा था कि आप हिंदुस्तान की तारीख को तहरी और इसकी खिदमत में इसकी बुलंदी पर रोशनी डाले। हालांकि हिंदुस्तान की जमहूरियत अभी बाकी है और आपकी अपनी जगह सही है और मौजूदा हुकूमत ने कौम मिल्लत के लिए जो काम किया है वो काबिल तहसीन है। जनाब अब्दुल्ला साहब, आप सियासी पार्टी के अहम रुख होने की हैसियत से अच्छी तरह जानते हैं और मैं मुल्क अजीज हिंदुस्तान का एक शहरी सबूत होने की हैसियत से बता देना चाहता हूँ कि ये गुलशन हिंद हमारा ये
आजीम हिंदुस्तान की किस्मत जगाने में जितना खून मुसलमानों का बहा है, दूसरी पार्टियों दीकर काम में उतना पसीना भी नहीं बहा है। किस कदर अफसोस का मुकाम है कि जिन लोगों का हमने मुल्क की आजादी में का गुलदस्ते की शक्ल में अदा की थी, आज वही लोग अंग्रेजों के दलाल और फिरका परस्त जमातों के रहनुमा और उनके और मुल्क के इख्तदार के खिलाफ अपना जमीन भी फरोख्त कर रहे हैं। अच्छा मौलवी साहब, वक्त तो बहुत हो चुका है, इजाजत दे, अस्सलाम वालेकुम। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا وسندنا وحبيبنا ومولاه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا مزيدا سرمدا أما بعد काबिल कदर एहतराम जलसे के सदर साहब और मुअज्जज़ व मुकर्रम व मुहतरम हजरात उलमा इकराम और सबसे ज़्यादा काबिल कदर मुबारकबाद मस्जिद व मदरसा सिद्दीक़ अकबर के तलबाए अजीज़ और जितने भी यहाँ पर माशाल्लाह हमारे माँ बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, जो माशाल्लाह सब यहाँ बहुत देर से बैठी हुई हैं, मैं सबको सबसे पहले आज के दिन की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उहन्निउकुम तहनियतन तय्यिबतन ज़कियतन मुबारकतन मुअत्तरतन खालिसा। अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन की अहमियत को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क के मुताल्लिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं और हमारा मुल्क क्या है, हम कौन हैं और आज जो हमारा मुल्क है ये क्या है, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करे हम इसी तरह उतरे हुए हैं। अगर इन मुकर्रिन के लिए मुझे नंबर देने के लिए कहा जाए तो मैं इनको 100 में से पूरे पूरे 100 नंबर दूँ और इन बच्चों के हक में जो भी नजराना पेश किया जाए, जो भी इनके लिए दुआएं दी जाएं, जो भी इनके कदमों में बिछा दिया जाए वो कम है। और यह सातिजा इकराम की जो मेहनतें हैं और वाकईतन मुझे जरा भी जो है कोई कूफ नहीं हो रही थी कि यहाँ इतनी देर से बैठे हुए, इसलिए कि ये बच्चे जो पेश कर रहे हैं इनकी तकरीरों को, इनके प्रोग्रामों को सुनते हुए वाकईतन मैं सआदत मंदी महसूस कर रहा था। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, एहसान है, ये किन माओं की तरबियत याफ्ता बच्चे होंगे, ये किन असातिज़ा के शागिर्द होंगे, ये किस मदरसे के बच्चे होंगे जिनकी इस कदर तरबियत की गई हो, जिनको इस कदर निखारा गया हो, इस कदर बनाया गया हो कि इतने अच्छे अंदाज में ये अपनी बात को रख सके, पेश कर सके। और जरा भी नहीं लग रहा था कि ये बच्चे कोई रटे हुए हैं, इस अंदाज में ये बच्चे पेश कर रहे थे कि वाकईतन तकरीर से पूरी तरह जुड़े हुए थे। कहा था हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो माशाल्लाह दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।